थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गांव बाहरी के लोगों और युवा वर्ग के लिए लाखों रुपए का बजट खर्च करके सुंदर पार्क और खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बाहरी गौशाला की चार दीवारी पर भी 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विधायक सुभाष सुधा आज गांव बारी में बैसाखी पर्व को लेकर नाभेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा भाजपा युवा नेता साहिल सुधा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नाभेश्वर मंदिर में भगवान शिव भोलेनाथ पर जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने बाहरी गौशाला की चार दीवारी की नींव भी रखी। इस चार दीवारी पर नगर परिषद की तरफ से 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विधायक ने कहा कि गांव बाहरी में कई एकड़ खाली पड़ी जमीन पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस स्टेडियम के साथ ही भव्य पार्क बनाया जाएगा और सैर करने के लिए पाथवे का निर्माण भी किया जाएगा। इस कार्य को शुरू करने के लिए नगर परिषद और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विधायक सुभाष सुधा ने नगरवासियों को बैसाखी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे दिवसों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे हमें संस्कृति और संस्कारों की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि थानेसर में पिछले 6 सालों में पिछली सरकारों द्वारा 50 सालों में किए गए विकास कार्यों से भी ज्यादा विकास के प्रोजेक्ट और परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। इस शहर में लोगों की जरूरतों के अनुसार ही विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सपनों का शहर बन सके। इस शहर की सभी सड़कों पर विशेष फोकस है। जिन सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है उनके एस्टीमेट तैयार करवाए जा चुके हैं और सरकार से अनुमति मिलते ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस शहर की सबसे प्रमुख सड़क पिपली से थर्ड गेट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस सड़क को तेजी से बनाने के लिए नियमित रूप से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और एजेंसियों से भी प्रगति रिपोर्ट और फीडबैक ली जाती है।